लेकिन जिस सपने के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में संकल्प लिया था इसी धरती पे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। लेकिन आज हालात बड़े खतरनाक हो चले हैं, इतने खतरनाक कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की ली हुई 22 प्रतिज्ञा को बोलने पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आज भारत में संविधान की हत्या की जा रही है, भारतीय संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यहां से उस संकल्प को लू ना लू, लेकिन एक संकल्प इस धरती से मैं जरूर लूंगा। जब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा तो मैं इस धरती से एक संकल्प लेकर जरूर जाऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते। मैं ये समझता हूं कि मैंने अपने महापुरुषों को सिर्फ पूजा नहीं है, उनको पढ़ा भी है और उनको पढ़ा, उनको जाना, उनके दर्द को महसूस किया है कि किस तरह रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमारे लिए व्यवस्था की कि हम इस देश में आजादी से जी पाए। जहां एक तरफ उनके बच्चे जो है दम तोड़ रहे थे, वहीं वो दूसरी तरफ हमारे लिए लड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे कितने दिन तक इस भारत की धरती में गुलाम बन के जिएंगे आज।